हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक पोयम लेकर। और अपने मैंने कुछ विचारों को उस पोयम के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है। अभी अपने देश में एक मुद्दा चल रहा था कि कुछ लोगों ने गौरी लंकेश को गोली मारकर हत्या कर दी। वो ख़त्म भी नहीं हुआ था कि कुछ लोगों ने एक नन्हे से बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, रयान इंटरनेशनल स्कूल में हत्या कर दी। ठीक है, लेकिन जब ये मैंने खबरें सुनी थी, सच में मुझे बहुत बुरा लगा था और दिल को ठेस पहुंची थी कि एक माँ के साथ क्या बीती होगी। उधर एक जो गौरी लंकेश की हत्या हुई है, लोग, आजकल की जो यूथ है, वो पत्रकारिता को किस तरीके से ख़त्म करना चाह रही है, वो ये नहीं समझ पा रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। लोग दूसरे को जज करते हैं, दूसरे पर कमेंट पास करते हैं कि उसकी सोच ऐसी है, वो पुराने ख्यालों का है, वो ऐसा है। अरे यार, तुम क्या सोच रहे हो, ये तो सोचो। जो लोग आजकल के पत्रकार पर, बहुत बहुत बड़े फेमस पत्रकार पर उंगलियां उठाकर बोल रहे हैं, कितने गलत गलत अपशब्दों का यूज कर रहे हैं, शर्म आती है बोलते हुए भी। इसी के ऊपर मैंने एक पोएम लिखी है जिसमें कि मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हो सकता है किसी को ये गलत लगे तो मुझे बताना कमेंट्स में। पोएम इस प्रकार है, आज की यूथ को क्या हो गया, आज की यूथ को क्या हो गया, पानी सड़ से गुजर गया, सही को गलत समझना सीख गया, गलत को सही समझना सीख गया, गौरी लंकेश के मरने पर खुशियां मनाना सीख गया, उसके लिए अपशब्द लिखने सीख गया, अपनी इस कायरता पर घमंड करना सीख गया। आज के यूथ को क्या हो गया, कल के भविष्य को क्या हो गया, दो गोली में जान लेकर खुद पर घमंड हो गया, दो गोली में जान लेकर खुद पर घमंड हो गया। घमंडी मत बन तू, रावण का घमंड भी चूर चूर हो गया। रवीश अभिसार सुधीर जैसों को धमकियां देने लगा, रवीश अभिसार सुधीर जैसों को धमकियां देने लगा, मौत तुझे भी आएगी, मौत उन्हें भी आएगी। इस घमंड को छोड़कर शब्दों में उनको हरा, अपनी अच्छी सोच और अच्छे काम से इन्हें हरा। तूने गौरी लंकेश को लोकप्रिय बनाया, देश का बच्चा बच्चा अभी ने जानता है। आज की यूथ को क्या हो गया, सोच बदल मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे देशवासी, उठ खड़ा हो, सच्चाई के मार्ग पर चल, सच्चाई का साथ दे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और मेरी पोएम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।